पानीपत के गांव निजामपुर में अपनी ही बहू पर लगाए जनरेटर चोरी करने का आरोप। मामला पानीपत के गांव निजामपुर का है, जहां सास ने अपनी ही बहू पर जनरेटर चोरी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब वे अपने गांव में घर पर सफाई करने गई थी, तब उन्हें पता चला था कि उनके घर से जनरेटर चोरी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, लेकिन पुलिस को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से पुलिस कह देती है कि यह तो छोटी सी चोरी है। पीड़ित ने बताया कि उसकी बहू पुलिस लाइन में पुलिस की पोस्ट पर कार्यरत है और वह मुझे कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुकी है। पीड़ित का कहना है यह वह पहले भी मारपीट की शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा और वह न्याय चाहती है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि घर से लेकर जमीन तक उनके नाम पर है, इसलिए वह धमकी देती है। चोरी का मामला है। कैसे? जनरेटर चोरी हो लिया, जो मेरी प्रॉपर्टी है वहाँ पर गांव में, वो मेरे नाम है और उस प्रॉपर्टी पर भी वह कब्जा करे बैठे हैं। कौन लोग हैं वो? मेरे छोरे की बुआ है जो पुलिस में ला करी। कहाँ पर है वो ड्यूटी? उनकी ड्यूटी है उसकी पुलिस लाइन में। कब चोरी हुई थी आपके घर? चोरी हुई थी हमें नहीं पता, हम तो अपने दिवाली के लिए सफाई करने के लिए गया था, फिर हमने वहाँ, अब मेरा जनरेटर नहीं मिला वहाँ पर। हमारी दोरफ सीसीटीवी है, हमारे कैमरे लग रहे हैं वहाँ पर। तो आपने चेक किया कि सीसीटीवी में के कौन लोग हैं? हाँ जी, हमें चेक किया है, उसमें पुष्टि हुई कि वो महिला। हाँ, वो महिला है जो उठा कर लेकर गई है। और भी कुछ बात करना है, आप बता रहे थे। हाँ जी, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। मैं परसों साड़वन चौकी में गई तो वहाँ पर भी पुलिस भी बैठी, सारे पंचायती भी बैठे, जब भी वहाँ मुझे मारने की धमकी दे रही थी कि मैं तेना जान तो मारूंगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसकी ड्यूटी कहाँ पे है? उसकी ड्यूटी पुलिस लाइन में है। आपने बताया कि जनरेटर चोरी की शिकायत को लेकर आप थाने में आए हो? हाँ, मैं कई बार आ लिया जी, जो है ये पुलिस में, ये मुंशी है, ये बिनू बोला यह चोरी नहीं है, यह तो छोटी सी चोरी है। पुलिस मेरा मजाक उड़ा रही है, अक जी देव 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 साइड दे दरखास्त, कार्रवाई नहीं होगी। मैं कई बार आ ली थाने में, मैं 2017 में मैं थाने में आने लगी थी, मेरा कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, मैंने चाहिए इंसाफ। पहले क्या, किस मामले को लेकर आप आए थे यहाँ पर? पहले भी यही मामला था जी, मारपीट कर, लड़ाई कर, सारा यू मामला था। और फिर उनने मेरा पर्चा दर्ज कराया 420 में, किले मेरे नाम, घर मेरे नाम, सारी चीज मेरे नाम है, आगे से वो मेरे पे प्रॉपर्टी छीन रही है। किस तरह की 420 आपके ऊपर लगवाई? मेरे ये इसकी साजिश की, प्रॉपर्टी की वाल लगवाई थी, और मेरे लड़के ने एफिडेविट दे रखा है और वह मेरे पे इल्जाम लगा रही है।